सीआईडी ने, यहाँ सीआईडी की टीम भी भेजी। एक्चुअली आप जानते हो एक साल पहले ही आरा में भी इस तरह की घटना हुई थी, इसी कंपनी से 25 लाख रुपए सोने की लूट हुई। 5 करोड़ का मैं बता रहा हूँ, मुझे आरा में एक घटना हुई थी जिसमें 25 लाख सोने की लूट हुई थी। वो पूरा गैंग डिटेक्ट हुआ और वो सब 85 एक गैंग है। इसका राष्ट्रीय स्तर पर गिरोह ये जयपुर में करते हैं, बिहार में करते हैं, उत्तर प्रदेश में करते हैं, साउथ में करते हैं, कई जिलों में अखिल भारतीय स्तर पर ये रैकेट। और मैं ये काम इतना बोलना चाहता हूँ, अभी इस रैकेट से संबंधित एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है, इस केस में नहीं, संयोग से इसी तरह के दूसरे केस में कल गिरफ्तार किया गया था, उससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। और इसके गिरोह का सरगना जो है अभी वो जयपुर जेल में है और जयपुर जेल में रहते हुए ये क्राइम करवाता है। सारे एंगल्स को हम लोग देख रहे हैं, मैंने ईडी सीआईडी से बात की है, उन्होंने इस तरह के कई केसेस के इन्वेस्टिगेशन में सहयोग किया है और उन्होंने दावा किया है कि केस डिटेक्ट हो जाएगा 5 करोड़ के आसपास। मैं शुरू में हमें 2 करोड़ बताया गया लेकिन अभी हमको बताया गया कि 5 करोड़ के सोने की लूट। शिक्षा के मार्फत समाज में बदलाव लाने की सोच रखने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद एवं एमईटी पूर्णिया के डायरेक्टर ए इमाम द्वारा स्थापित मीलिया एजुकेशन ट्रस्ट रामबाग पूर्णिया ने कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आदर्श स्थापित किए हैं। अपने 35 साल के कार्य अनुभव के साथ इसी शैक्षणिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुजफ्फरपुर में मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई है। सेक्रेटरी अफजल इमाम के मार्गदर्शन में चलने वाला यह एक को एजुकेशन CBSE इंग्लिश स्कूल है। यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 10th तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। 1 acre स्कूल कैंपस, एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 9th, स्कॉलरशिप अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट, CBSE करिकुलम नर्सरी टू क्लास 10th, मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल, जेल चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार।